बच्चे पालेंगे, घर बनाएंगे। जो हमारे बड़े बूढ़े मर गए यहाँ, तो यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे, यहीं जेबे हम नहीं जा सकेंगे। साल की उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ यहाँ, 80 साल में मेरी माँ का इंतकाल हुआ, आज 70-60 साल की मैं हो गई इसी जगह पे। हमारी जगह है, हम अपना हक मांगना चाहते हैं। मेरी भैया पैदाइश थी कि ये भी शादी मेरा यहीं का यहीं पली बड़ी, मेरे 80 साल हो गए। अरे गाड़ी वहीं रुक, बैठे रहो। हमारा स्कूल का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा है, जो हम फर्स्ट ईयर में है। जो 3 महीने लॉकडाउन में हमारी कुछ पढ़ाई का लॉस हुआ है और जो अब फिर लॉस होने जा रहा है, तो हम अपनी पढ़ाई, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम शायद पीछे ही रहेंगे। कहते हैं कि बेटियां पीछे ही रहेंगी, बेटियां को आगे पढ़ाया जाता है, तो हम तो बेटियां पीछे ही रह रही, क्योंकि पढ़ाई का लॉस तो पहले से हो चुका है 3 साल, अब फिर लॉस होने जा रहा है। 1200 छात्राएं हमारे स्कूल में, सभी का लॉस 1200 से ज़्यादा ही होंगे, सभी का लॉस है सर। काफ़ी स्कूल ही हैं, और जो हमारा स्कूल तो पूरा जा रहा है, जो इतना साल पुराना स्कूल अब क्यों जा रहा है ये बताएं हमें, कि हमारा भविष्य ऐसे ही रहेगा हमेशा? जो पहले तो 3 महीने लॉकडाउन में हमने अपना भविष्य खराब करा, वो माना हमने। जब भी हम आगे बढ़ते तो कोरोना आता है, लॉकडाउन आता है, अब फिर ये आ गया, तो हम कभी पीछे रहेंगे? यही रहना है ना हमने। आज हमें रोड पर ला के रख दे, कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है? ये इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारी यही गलती है ना, और हमारे अधिकार का इतना हनन किया जा रहा है, या कि क्यों किया जा रहा है? हमारे स्कूल भी हमसे छीने जा रहे हैं, हमारे भविष्य का क्या होगा ये बताइए? अगर हमारा भविष्य जाएगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे या हम? हमारे छोटे छोटे बच्चे सब बैठे हुए हैं, कोई गरीब है, किसी को खाने की रोटी नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, और हमारे छत पर सिर पर से साया उठा रहे, छत तोड़ रहे, घर तोड़ रहे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे? हम लोग दिन भर कमाई कर, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। एक अखबार वाले कह रहे हैं कि बस कि 4-5 हज़ार घर है, और आज जाके मालूम करिए कि कितनी मुसलमान की बस्ती तोड़ रहे हैं, यहाँ से लेके इंदिरा नगर से लेके गोला से लेके सब जगह को है। इनकी सरकार, पहले सरकार कहाँ गई थी? जिस वक्त लेन बना था तो उसी वक्त घेर देते कि भाई ये हद मेरा है, और आज वो पूरी बस्ती ले रहे हैं, ये पूरा 17 लंबर ले रहे हैं, पूरा मतलब कि स्कूल तोड़ रहे हैं। जब सरकार रेलवे की कहाँ गई थी? कारण ये है कि घर हमारे हैं, हमारे मतलब घर हमारा अधिकार है, बाकी रेलवे का कुछ नहीं है इसमें। रेलवे तो खाली अपने धंगा धींगी चला रही है, समझे? इतनी ट्रेनें नहीं है रेलवे वाले के पास, जितनी जगह मांग रही है वो बिल्डिंगों को झोपड़ियाँ दिखा रही है, समझे? झोपड़ियाँ जो हैं उनको आगे करके बिल्डिंगों को भी हो, यहाँ 100-100 साल हो गए हैं। ये पेड़, जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, 100 साल पुराना पेड़ हैगा, और बिल्डिंग है ये पल्ली बिल्डिंग है पक्की जो है, ये 100-150 साल पुरानी है, 47 से पहले की है। ये जगहें थी, आज बिल्डिंगें हो गई हैं, वो 47 से पहले की है। जो उन्होंने दावा कराया बिल्कुल गलत दावा है। यहाँ पर कम से कम 70 साल पुराना मेरा मकान है, जो लाइन नंबर 17 में, जिस टाइम ये मेरा मकान था उस टाइम इस मोहल्ले में बिजली तलक नहीं थी, मेरे घर में बिजली थी, लोगों के घर में यहाँ से बिजली जाती थी। आप ये लगा लीजिए कि 45 साल मेरे बिजली कनेक्शन में हो गए हैं, तो कम से कम 70 साल पुराना मेरा मकान है इस एरिया में, और ये एरिया जितना भी है ये पूरा बसा हुआ है, ये 80-70 साल पुराने यहाँ पर निवासी हैं। जो रेलवे ने ये खम्भे लगाए हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से लगाए गए हैं, ये सिर्फ धांधलीबाजी है जिसका कोई वो नहीं है। रेलवे से नक्शा मांगे गए, रेलवे ने कोई नक्शा अपना मजबूती तरीके से पास नहीं करा, ना दिखाया है कोई रेलवे ने नक्शा। यहाँ पर जो रेलवे ने नक्शा दिखाया है वो कुल 45 फुट तलक का नक्शा है। रेलवे 78 एकड़ कह रही है, अब 29 एकड़ से 78 एकड़ पर आ गई है। अब ये इतने बच्चे बैठे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? सरकार कह रही है कि एजुकेशन दे, एजुकेशन किस हिसाब से दें? जब बच्चों के सर पर छत ही नहीं रहेगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब होगा। हमारी मांग ये है कि हम यहाँ पर, हमारा मकान है, हमारा मकान है, हमारी ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं। 105 साल की उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ यहाँ, 80 साल में मेरी माँ का इंतकाल हुआ, आज 70-60 साल की मैं हो गई इसी जगह पे। हमारी जगह है, हम अपना हक मांगना चाहते हैं, हम अपनी जगह नहीं दे सकते, हमारे मकान है यहाँ साल। हाँ, ये 80 साल की उम्र हो गई हमारी सास की, और हम, हमारे शौहर भी हैं 50 साल के, हमारे जेठ हैं 60-70 साल के, हम जब से रहते चले आ रहे हैं,
और हमारा घर परिवार सब यहीं से जुड़ा है, तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? और हमें निकालने वाला भी कोई आगा तो हम निकलेंगे नहीं यहाँ से। हमारा हक है, मालिकाना हक है, हम ये इसी पे रहेंगे। हम अपने घर कहीं नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे घर जाएंगे कहीं नहीं। मेरी ये पैदाइश थी कि ये भी ऐसा थी, मेरा यहीं का यहीं पली बड़ी, मेरे 80 साल हो गए। तो मजदूरी करते हैं, तीनों के घर हैं टूटे फूटे, इसका साल होगा, मैं 80 साल होगा रहते हुए, हमें हमारे बच्चों को भी इतना टाइम हो गया। हमारा घर यही है पीछे बगल में, ये सब रजिस्ट्री के मकान है हमारे यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, रजिस्ट्री हुई भी मकानों की, काफ़ी सब रजिस्ट्री हुई भी मकान की। जब आपने आपको दावा किया कोर्ट के अंदर, उसके क्या रहा? हमारी तो फाइलें भी नहीं देखी गई हैं वहाँ पर, हमें सुनने में तो यही भी आया है, दाखिल खारिज है, सब है मकानों का, हमारा प्रूफ सब है, खतौनी है। सब टोटल इस लाइन से तो सब पक्के हैं, रजिस्ट्री वाले मकान है। 4365 मकान रेलवे ने दिए हैं इस साइड में, लेकिन मकान तो जो ये पूरी साइड है ये पक्की है, पट्टे वाली है सब, इसके सबके रजिस्ट्री मकान है सब। रेलवे का कुछ नहीं है यहाँ पर, इस जगह को बसे हुए कम से कम 95 साल हो गए इस स्कूल को भी बने हुए, और यहाँ पर हमारे बाप दादा की पुरखों की जमीन है, और सिर्फ लेन की जगह जो है 45 फुट रेलवे की है, और 60 फुट पल्ली तरफ है रेलवे की, बाकी रेलवे का कुछ नहीं है। ये सब धोखा दिया जा रहा है, पब्लिक को गुमराह करा जा रहा है। रेलवे का यहाँ कुछ नहीं है, और हम यहाँ से जाएंगे नहीं, किसी कीमत पे भी नहीं जाएंगे यहाँ से। हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, ना अपने मकान छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे यहाँ से। जब मर मेटे हमारे बड़े बूढ़े, तो हम भी यही मर मेटेंगे, जब कितना हमारे लिए व्यवस्था करे, जगह दिया जाए, और जो कमाने वाला हमारा तो कोई जरिया नहीं है, अपने बच्चे के लेकर रोडों पर रहेंगे ठंडे में, कहाँ जाएंगे हम? सारा गरीब तब कहाँ या जान दे, पहले कहाँ थे? पहले जंगल था, ये 4 दिन बसाने के लिए कहाँ थे? आज हम पानी बिल दे रहे हैं, बत्ती बिल दे रहे हैं, मकान टैक्स दे रहे हैं, आज नगर निगम वाला मर गए, आज कहाँ गए? बिल कटवा रहे हैं, किस बातों कटवा रहे हैं? मकान टैक्स दे रहे हैं, हम किस बातों को दे रहे हैं? हम तो हरगिज़ नहीं झाटेंगे, यही मरेंगे, यही जियेंगे। हमारे बड़े बूढ़े मर गए, सब 75